नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपम न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की तरफ। अपर जनपद मिर्जापुर से शिक्षक शिक्षा मित्र अनुदेशक कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जनपद मिर्जापुर द्वारा मुख्यमंत्री को संबोधित पत्रक सौंपते हुए मांग पत्र सौंपा गया। आइए सुनते हैं कि प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत निधि पांडे, ऑनलाइन डिजिटलीकरण लागू होने पर महिलाओं को किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, अपना वक्तव्य दे रही है। मैं निधि पांडे प्राथमिक विद्यालय भुइली पांडे से हूँ, असिस्टेंट टीचर सहायक अध्यापक पद पर। महिलाओं की व्यवस्थाओं को जो असहाय स्थिति होती है प्रत्येक मास जो है, इससे संबंधित अगर उन्हें छुट्टी चाहिए या गर्भिणी हो तो उनके लिए क्या इस डिजिटल व्यवस्था के अंतर्गत क्या कहना चाहिए? देखिए, बहुत सारे उसमें हो गया है कि टीचरों को जो भी महीने में जो भी दिक्कत होती है तो उसके लिए दो दिन का अवकाश दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो हम चाहे दर्द हो या कुछ भी हो, हमेशा स्कूल पहुँचते हैं, टाइम से पहुँचते हैं और अपना काम भी मन लगा के करते हैं। दुनिया समाज चाहे जो करे, दुनिया समाज ये भी तो देखती है ना कि हम क्या क्या काम करते हैं। हमारा काम पढ़ाना है बच्चों को। अगर हम स्कूल से बाहर जाके कोई काम करेंगे तो बच्चों की पढ़ाई कहीं ना कहीं तो डिस्टर्ब होगी ना। ये लोग नहीं देखते हैं कि अगर हम गांव में जाके बच्चों को बुलाएंगे रोज सुबह के आधे घंटे एक घंटे हम फोन पे बुलाने के लिए वेस्ट करेंगे तो एक पीरियड हमारा पढ़ाई का वो गया, वो बच्चों का आधा घंटा वेस्ट हुआ। लेकिन उसके लिए ये सब नहीं है, उसके लिए कोई तारीफ नहीं है, कोई बढ़ाई नहीं है। लेकिन बच्चा, हम लोग स्कूल लेट पहुँचते हैं। कैसे लेट पहुँचते हैं भाई, कोई देखा है आके स्कूल में? आके आप स्कूलों में देखिए हम पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते, उसकी चेकिंग करिए, जो भी करना है करिए। लेकिन हम ऑनलाइन उपस्थिति देने में भी हमें कोई वो नहीं है कि हम नहीं देंगे, हम देते आए हैं। अभी इससे पहले भी प्रेरणा लक्ष पे हुआ है, हम लोग सेल्फी देते रहे हैं, हमने कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। लेकिन इसमें कुछ लचीलापन होना चाहिए, सब चीज़ का लचीला। अगर हमारे साथ कोई दुर्घटना हो गई या हमारे छोटे बच्चे हैं, मेरी छोटी बच्ची है, कभी कभी बीमार होती है, हमें दवा देना हो तो कुछ होता है, हम फिर स्कूटी लेके गाड़ी लेके पहुँच रहे हैं, हड़बड़ी में हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाए या हम देर से नहीं पहुँचे, 8 बजे के बाद हम CL नहीं ले सकते। अगर हम 8 बजे कोई इमरजेंसी आ जाती है उसके बाद हम CL लेना चाहते हैं तो हम क्या करें? उसके लिए हमें अनुपस्थित करार दिया जाएगा कि टीचर अनुपस्थित है, ये तो गलत बात है ना। हमें उसमें भी लचीलापन होना चाहिए कि अगर आपको इमरजेंसी में कभी 8 बजे के बाद CL लेना है तो हम उसे कैसे अप्लाई करें। हमारी मांगे ये है कि हमारी जो समस्याएं हैं उसका आप निराकरण कीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि हम नहीं भेजेंगे ऑनलाइन अटेंडेंस या हम ऑनलाइन कोई काम नहीं करेंगे। हम ऑनलाइन सारे काम करते हैं, 2-2 घंटे 3-3 घंटे घर पे जाके काम करते हैं, अपने मोबाइल से अपने डेटा से करते हैं, हमने कभी इन चीज़ों की डिमांड नहीं की है। शिक्षकों की ओर से बिंदुवार को समस्याएं बता दें। समस्याएं जैसे हम लोग, समस्याएं क्या है कि जब हम पढ़ाने के लिए स्कूल आते हैं, हमारा ये काम नहीं है कि हम बालगणना करें जनगणना करें, लेकिन फिर भी हम उसको करते हैं, ये हमारा काम नहीं है। मेरी तरफ से ये होना चाहिए कि बच्चों टीचर्स को सिर्फ पढ़ाना होना चाहिए। जब हम बच्चों को पढ़ाएंगे तभी तो बच्चे पढ़ेंगे ना। जब उसमें हम आधे घंटे इधर उधर रहेंगे बच्चे भी डिस्ट्रैक्ट होंगे, तो जब बच्चे डिस्ट्रैक्ट होंगे टीचर डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो क्वालिटी आपको कहाँ से मिलेगी जो आप शिक्षकों से उम्मीद करते हैं, वो क्वालिटी डिस्टर्ब होगी। आप प्राइवेट स्कूलों से कंपेयर करते हैं, प्राइवेट स्कूलों में टीचर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाता है, ना वो ऑफिस का काम करता है, ना वो जनगणना करता है, ना वो बाल गणना करता है। तो वो सिर्फ जब पढ़ा रहे हैं तो हम क्वालिटी पढ़ाई में देंगे, हमारा जो है हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। और जब हम पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो हम कहाँ से अपना पूरा दे पाएंगे, हम 100% नहीं दे सकते हैं। तो उसके लिए हम ये नहीं कह रहे कि हम ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं देंगे, हमारी बस कुछ मांगे हैं जो ज्ञापन में अधिकारियों को सौंप दी गई हैं। हम ये चाहते हैं कि उन मांगों पर काम हो, उसको डीजी महोदय या जो भी योगी जी हैं, मोदी जी, जो भी है प्रधानमंत्री हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, वो लोग उसको देखें और उस पे काम करें। सहयोग के साथ मांग करती है या किसी विरोध करती है सरकार का? सरकार से हमें कोई विरोध नहीं है, हम सरकार से क्यों विरोध करेंगे? हम तो शिक्षक हैं, हम तो लोकतंत्र में जीते हैं ना, हम लोग लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हम तो इस चीज को बच्चों तक पहुँचाएंगे कि हम आजादी में जी रहे हैं, हम लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं। हम इसके लिए लड़ाई थोड़ी कर रहे हैं, हम तो अपना अधिकार मांग रहे हैं और लोकतंत्र में हमें हमारा अधिकार मांगने का पूरा अधिकार दिया गया है। और हम बहुत शांति से कर रहे हैं ना, तो हम लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं ना मारपीट कर रहे हैं, हम तो सिर्फ अपनी बातें कह रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारी मांगे पूरी करें।